वो भी मेरे हस्बैंड के स्टाइल से, क्योंकि उनका बताया हुआ तरीका है और वो बता के चले गए हैं। और फिर मतलब मेरे अभी से मुंह में पानी आ रहा है कि मुझे खाना है, और मैंने तय कर लिया 5-6 4-5-6 रोटियां खाऊंगी। धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, तो शाम के बज रहे हैं 5:30, और ये मैंने लहसुन छील लिया है, और ये अदरक, और इतना सारा मिर्च, और ये रही प्याज। और इधर कुकर में बॉयल हो रहा है बैगन, सिर्फ बैगन, और बैगन है 1-1.5 किलो के लगभग, लगभग बैगन होगा। तो आज सिर्फ बैगन का भरता बनेगा, वो भी मेरे हस्बैंड के स्टाइल से, क्योंकि उनका बताया हुआ तरीका है और वो बता के चले गए हैं। और फिर हम लोग बनाएंगे बैगन उसी तरीके से, क्योंकि वो अभी है नहीं, अगर टाइम से आ गए तो वो बनाएंगे, पर नहीं आएंगे तो पिंकी बनाएगी, क्योंकि मुझे बनाना नहीं है। तो मैंने कहा मैं लाओ ये सब काट देती हूँ। तो आज मैंने उठाया है चाकू बहुत दिन के बाद, लगभग 1-1.5 महीने के बाद, तो मैंने कहा मैं बैठे बैठे कर देती हूँ। तो मिर्च तोड़ के यहाँ पे रख रहे हैं, इसका डंठल निकाल के, इसका पेस्ट बनेगा, और ये खड़ा लहसुन उसमें पड़ेगा, मतलब कि ये पूरा खड़ा लहसुन जाएगा बैगन भरते में, और ये तड़के में जाएगा, इसके साथ जीरा जाएगा, और बैगन भरता बनेगा। तो बनाएगी पिंकी और मैं दिखाऊंगी। तो बहुत जल्दी खाना बनेगा, और हम मतलब यहाँ पे जल्दी बन ही जाता है सबके यहाँ लगभग लगभग। और मिर्च बिल्कुल तीखा नहीं है, बिल्कुल भी तीखा नहीं है, तो इसीलिए इतना पड़ेगा, ये इतना डालना है। और इसमें आप और लहसुन भी डाल सकते हैं। तो मैंने 4-5 कली, 4-5 वो है पूरा छोटी है मतलब लहसुन का, तो उतना लहसुन मैंने डाला इसमें। वीडियो और रात में बक्का तुमका सबको परेशान ना करे, ना करी ना। लिया है बॉयल, बॉयल के बर्तन चला गया है किचन में, दूसरे वाले रूम में, और इस वाले रूम में आलू बॉयल होने के लिए रखा है। तो 2 भरता बनेगा, एक आलू का भरता बनेगा, फिर बैगन का भरता बनेगा। तो उसके बाद जो है वो वाला प्रोसेस देखिए, मैं मोबाइल भेज के रिकॉर्ड करवा लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बाबू के पास बैठी हूँ अभी, तो इस वजह से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मैं मोबाइल दे दूँगी पिंकी को। और हो सकता है रिकॉर्ड भी ना करूँ, क्योंकि इसमें बैटरी 20% बची हुई है, तो अगर लाइट आ जाएगी तो रिकॉर्ड करूँगी, वरना मैं प्रोसेस बता दूँगी कैसे बनता है बैगन। बैगन का भरता ये वाला बहुत टेस्टी बनता है, बहुत, एक बार बना के देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में, इतना टेस्टी, इतना मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब खाया था यहाँ पे, हस्बैंड ने बनाया था, तो और मतलब एकदम लाजवाब। मैंने भरता खाया है सरसों ऑयल डाल के, कच्चे सरसों ऑयल डाल के, तो उसका स्वाद अलग आता है, और इसका फ्लेवर, इसका स्वाद, इसकी इनहेंस खुशबू, मतलब मेरे अभी से मुंह में पानी आ रहा है कि मुझे खाना है, और मैंने तय कर लिया 5-6 रोटियां खाऊंगी मस्त से। और क्योंकि अभी मैं थोड़े थोड़े खाने ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खाना ठीक है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पतली पतली रोटियां बना लूँगी और बनवा लूँगी और खाऊँगी उसके साथ बैगन। मैं आलू का भरता नहीं खाऊंगी आज बिल्कुल भी, मैं बैंगन का ही भरता खाऊंगी सिर्फ। तो अगर लाइट आती है तो मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए देती हूँ, और अगर बन जाएगा खाना तो उसके बाद मैं फिर बता दूँगी कि कैसे बनता है बैंगन का भरता ये वाला। तो अभी बज रहे हैं 7:00 और आ गया मेरा खाना, और मैंने कपड़े कर लिए हैं चेंज, कि चेंज इसलिए कर लिया है क्योंकि बाबू लेटरिन बाथरूम करता रहता है, तो कुछ ना कुछ लग जाता है, और मुझे ऐसे मतलब ज़रा से भी मतलब
स्मेल आया कपड़े से कुछ वैसे मतलब टाइप में, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और ख़ुद को नहीं अच्छा लगता। और आसपास क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है, और तो इसलिए भी मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। और आ गया है मेरा खाना, तो खाने में है आलू का भरता, बैंगन का भरता, सिर्फ बैंगन का भरता अकेले, और आलू का भरता, और एक चावल की रोटी मिली है मुझे, और एक रोटी मिली है मुझे, दो रोटी, अभी फिर रोटी आ रही है गर्म गर्म सीख रही है, तो मुझे दे दिया है पहले खाने के लिए, क्योंकि बाबू है तो इस वजह से मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ता है, क्योंकि कभी भी जग सकता है, कभी भी सो सकता है, तो अभी लेटा हुआ है। तो मैं अपना खाना फिनिश करती हूँ, फिर आप लोग से बात करती हूँ। तो ये रहा मेरा खाना, और ये रही चावल की एक रोटी। आज मेरा खाने का मन था, तो मैंने बोला मुझे चावल की रोटी चाहिए, तो ये चावल की रोटी है, और ये रही गेहूँ की रोटी। और दोनों रोटी सीखी हुई हैं चूल्हे में, क्योंकि इसको ये रोटी बनाना था तो ये गैस पे नहीं बनाते हैं मम्मी, तो पिंकी बनाई है, और ये चूल्हा पे ही बना है। और ये दोनों रोटी, और ये रहा बैंगन का भरता जिसके बारे में बात कर रही थी, इसमें धनिया भी पड़ा हुआ है, अभी मैं प्रोसेस बता दूंगी आप लोग को कि कैसे बनाएं। और ये रहा आलू का भरता, तो ये दूसरे तरीके से बना है, इसमें कच्चा ऑयल नहीं मिलाया गया है शायद मेरे ख्याल से। तो अभी खाते हैं फिर बात करते हैं आप लोगों से। तो मैं खाने जा रही हूँ खाना, सबसे पहले टेस्ट करेंगे बैंगन का भरता। मैं खाना खा रही हूँ और धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बेबी सो रहा था, अभी जगने की कोशिश की उसने, तो मैंने सोचा जाग जाएगा, इसीलिए मैं शांति चुपचाप। और बैंगन का भरता बहुत टेस्टी बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। जब भी रात में आवाज़ करता है ना तो बहुत धीमे बोलना पड़ता है, हम लोगों को बात करनी पड़ती है। ताकि ये जाग ना जाए। और सच में वाकई में ये भरता जो है बेस्ट है, आलू वाला खा के देखता है। ये भी अच्छा है, बट इसमें सरसों का ऑयल मैं अभी मिलाने जा रही हूँ, कच्चा ऑयल, तब मुझे मेरा टच मिलेगा, मेरा सोनभद्र का टच, बिहारी टच। मैंने शुरू से वैसे ही खाया तो मुझे वैसे ही अच्छा लगेगा। बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं धीमे धीमे बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि अगर ये जाग गया तो मेरा आफत है खाना, फिर खाना मुश्किल है। और आज दिन भर सोया है तो पूरी रात जगाएगा मुझे और अपने बुआ लोगों को साथ में।